हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनएकेडमी के चैनल नीट यूजी 10 पर। जो इस चैनल की खासियत ये है कि आपको विद इन 10 मिनट्स पे आपको टॉपिक समझाया जाएगा, कंसेप्ट आपका बिल्ड किया जाएगा और जितने डाउट है वो क्लियर होंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, मेरा नाम आदित्य कुमार है बच्चों, मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। मैंने 6+ ईयर से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आईटी के बच्चों, मेन्स और नीट के बच्चों को। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, फिर आकाश न्यू दिल्ली जो साउथ एक्स में है वहाँ पे, और मैं अनअकैडमी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। जो मिलियंस ऑफ बच्चे अनअकैडमी के बारे में जानते हैं और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स और आईआईटीएन आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप भी इससे जुड़िए। और इसके सब्सक्रिप्शन के लिए क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, आपको वहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को टाइप कीजिए, ठीक है, और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए। इसके फीचर्स के बारे में बच्चों, एक तो डेली लाइव क्लासेस होती है यहाँ पे। अब लाइव क्लासेस के दौरान आपको जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, टीचर्स उसे इंस्टेंट आपका डाउट क्लियर करेगा। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है जो आपको मोर इंटरेक्टिव वे में सब्जेक्ट को सिखाता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है बच्चों, यहाँ पे आपको सिलेबस टाइम पे किया जाएगा और सिलेबस आपको मतलब बेसिक से लेकर आपको सिलसिलेवार ढंग से खत्म किया जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस बच्चों, इसमें यह है कि आप मान लो 12 मंथ या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उसमें यदि आप मान लो कोई लेक्चर आपका लाइव क्लासेस हुआ तो वो रिकॉर्डेड भी रहेगी हमेशा आपके पास, जितने टाइम के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं वो कभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके चार्जेस के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो इसका 1 मंथ का 5,400 है, तो 12 मंथ्स का कितना, 2,250, 24 मंथ्स का 1,350। और बात ये है कि आपने यदि आदित्य कोड का यूज किया तो आपको 10% का सब में डिस्काउंट मिलेगा। आज का टॉपिक में जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, फ्रिक्शन क्या है बच्चों, फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स है। ये कितने तरह का है, स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग। स्लाइडिंग मीन्स यहाँ स्टैटिक है, ये आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है ऑब्जेक्ट, ये स्टैटिक है, ये किसका है, रेस्ट में है, और ये फोर्स लगा रहा है अभी भी, ठीक है ना। तो ये मूव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि फोर्स नहीं लगा, कोई फोर्स तो इसको रोक के रख रहा होगा ना। जो इधर फोर्स आएगा वो क्या है, एफ स्टैटिक। एक आप मान लीजिए चल रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, चल रहे हैं, तब भी आप हमेशा कॉन्स्टेंट एक फ्रिक्शन लगता है, उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग। एक रोलिंग रोल भी करता है, जैसे व्हील रोल करता है उसमें फ्रिक्शन लगता है, उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हम कहाँ देखेंगे, रोटेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये इसको पुशिंग फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये मोशन में आ रहा है, तो इसको कोई, ये हमेशा क्या है, फ्रिक्शन का मतलब है जो दो सर्फिसेस के बीच का रिलेटिव मोशन, दो सर्फेस के बीच में यदि रिलेटिव मोशन होगा तभी फ्रिक्शन होगा, है कि नहीं। स्मूथनेस नहीं होनी चाहिए, स्मूथनेस नहीं होनी चाहिए, सर्फेस के रफनेस पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब भी ब्लॉक में या किसी ऑब्जेक्ट के बीच में जब कॉन्टेक्ट में आएंगे तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे मैंने देखा यहाँ पे ब्लॉक रखा है, जो यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये मूव करना चाहेगा, बट इसको जो इसका जो रफ पार्ट है ये, इसको क्या, इसको माइक्रो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यू में देखेंगे या माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। फ्रिक्शन का फोर्स क्या होता है बच्चों, किस कैटेगरी में रखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में रखते हैं, आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिएगा, जब ये इसको फोर्स लगा के मूव करना चाह रहा है तो ये फ्रिक्शन इसको क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है ना। अब इसका देखते हैं कि फ्रिक्शन कैसे लगना शुरू होता है। ये बच्चों ये है आपका ड्राइविंग फोर्स, ये है ड्राइविंग फोर्स, या जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स। ये न्यूटन में, ये किस में है, न्यूटन में, ये न्यूटन का है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, आपने मान लीजिए फोर्स आप लगा रहे हैं, आपने यहाँ तक लगाया, यहाँ ये भी मूव नहीं किया, स्टैटिक फ्रिक्शन चले, जितना आपने अप्लाई किया फोर्स वो स्टैटिक फ्रिक्शन में चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन आप मान लो किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, ठीक है ना, आपने 10 न्यूटन लगाया अभी तक वो मूव नहीं हुआ, तो 10 न्यूटन उसका स्टैटिक फ्रिक्शन। आपने 20 लगाया तब भी मूव नहीं हुआ, तब तो क्या 20 न्यूटन उसका क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये देखिए है ना, यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है प्रोपोर्शनल नहीं है, यहाँ पे जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है ये मान लीजिए एफ एस प्रोपोर्शनल टू क्या है, ड्राइविंग फोर्स एफ डी, यहाँ तक इस लाइन तक, है ना। एक बट एक इंस्टेंट आएगा बच्चों,
यहाँ एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो इसका कॉफिशेंट ऑफ जो फ्रिक्शन है, कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन देखिए काइनेटिक है, म्यू के मतलब क्या, कॉफिशेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू क्यों क्या है 0.4 है, म्यू एस क्या है 0.5 है। हमेशा क्या होता है, स्टैट कॉफिशेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। कभी भी क्वेश्चन में दे रखा होगा बच्चों, याद रखिएगा, यदि 0.5 है और म्यू दे रखा है 0.8, अब के और एस नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, जो ज़्यादा वैल्यू हो उसको क्या मानेंगे हम, म्यू एस, और जो कम होगा उसको क्या मानेंगे, म्यू के, यदि मेंशन नहीं है तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे पीक आया, ये लिमिटिंग हो गया, ये क्या हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मीन्स स्टैटिक का जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे, जो बच्चों ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इस पॉइंट के बाद ये घट जाएगा, उसके बाद कॉन्स्टेंट ये अपना चलता रहेगा। ठीक है ना, आफ्टर मोशन स्टार्ट्स फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस जनरली डिक्रीजेस, द काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज लेस। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा बच्चों आगे देखते हैं इसके कुछ, लॉज ऑफ फ्रिक्शन में आपने देखा कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इक्वल टू क्या होगा, म्यू के, ये इसका मतलब बच्चों एफ प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, क्या नॉर्मल फोर्स, कुछ कंडीशन में बता रहा हूँ, जैसे देखिए आपने ये स्मूथ नहीं है बच्चों, ये क्या है, स्मूथ नहीं है, ये क्या है, इसका यहाँ लिख दीजिए म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यदि म्यू जीरो हो जाएगा, म्यू जीरो तो स्मूथ हो जाएगा सरफेस, ठीक है ना, तो ये नहीं है नॉट इक्वल टू जीरो। अब मान लीजिए आपने फोर्स लगाया इस पर, ये नॉर्मल रिएक्शन है इसका, ठीक है, तो फ्रिक्शन का फोर्स इधर लग रहा है। अच्छा बताइए फ्रिक्शन का फोर्स डिपेंड करता है किस किस पे, ध्यान रखिएगा, डिपेंड करेगा एक तो आपका वेट, मतलब नॉर्मल फोर्स पे, जितना आप पुश करेंगे उतना ही वो धीरे से, मान लीजिए एक ब्लॉक है चल रहा है सिंपली, आपने उसको पुश किया तो फ्रिक्शन का फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो फ्रिक्शन का फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या, नॉर्मल रिएक्शन, इसी से आया। तो जब ये कॉन्स्टेंट हटाते हैं तो क्या हो जाता है, ये म्यू एन, ये स्टैटिक, ये काइनेटिक मान लीजिए मूव कर रहा है तो ये क्या काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया कि नहीं, है ना। अच्छा बताइए कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड करेगा क्या, यदि मान लीजिए कोई ब्लॉक है पहले इस तरह से रखा हुआ था, ठीक है, ये ड्राइविंग फोर्स है, अब क्या हुआ ये ब्लॉक को मैंने वर्टिकली रख दिया, ड्राइविंग फोर्स ये है, बताइए तो इसके इसके बीच में फ्रिक्शन सेम या सेम या डिफरेंट, इक्वल सेम होगा, आपका कॉन्टैक्ट एरिया पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता, याद रखिएगा, कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड करता है क्या, नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, अब देखिए द डायरेक्शन ऑफ के इज क्या है, ऑन ए बॉडी इज अपोजिट टू, ये हमें पता है, ठीक है, रिलेटिव, ये बच्चे ये कंडीशन है, ठीक है, ये लिमिटिंग का, एफ एस जीरो से ग्रेटर इक्वल, एफ एस इज लेस देन इक्वल म्यू एस एन, ठीक है, द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एस आर एडजस्टेड टू दैट द कंडीशन ऑफ नो स्लिप इज इन सो स्लिपिंग नहीं देख रहे हैं, ठीक है, एफ के एफ डज नॉट डिपेंड ऑन माइक्रोस्कोपिक एरिया, ये दे रखा है ना, मैंने भी बताया, ठीक है, आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसलिए ये देखिए आपने क्या कि एक ब्लॉक कर रखा है मास इनटू ग्रेविटी, अब जैसे ही इस पर फोर्स लगाएंगे बच्चों ड्राइविंग फोर्स, तो फ्रिक्शन किधर, इधर, अब देखिए फ्रिक्शन का फोर्स मान लीजिए किसी एंगल पर रखा हुआ ब्लॉक, तो एम जी इधर हमेशा, तो एम जी कॉस साइन, ये आपका हो गया एम जी कॉस थीटा, ये एम जी साइन थीटा, ये ड्राइविंग फोर्स हो गया इसका, इसके कारण ब्लॉक क्या आएगा नीचे आना चाहेगा, तो इसको रोकेगा क्या म्यू, कुछ इसकी म्यू वैल्यू है कुछ, ठीक है, ये रोकेगा क्या आपको म्यू को, जब इसका देखेंगे फ्रिक्शन का फोर्स निकालेंगे तो हमें पता है म्यू को एन, एन किसको आप यहाँ बैलेंस कर रहा है बच्चों, एम जी कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा आपका एफ इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। एक बात और बच्चों, कोई कोई बच्चे बोलते हैं कि म्यू की वैल्यू जीरो, म्यू की वैल्यू हमेशा लेस देन वन रहेगी, नहीं ऐसा डिपेंड नहीं करता, एक से ज़्यादा भी रह सकती है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आप एक से ज़्यादा भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा फ्रिक्शन के बारे में जो मैंने जो बताया, आप आगे के वीडियो में हम और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा कोड यूज़ करके 10% का डिस्काउंट करें, ठीक है बच्चों, थैंक यू।